हे यहोवा परमेश्वर, मेरे मुंह के वचन तुझे भावने होने पाए। यदि दाऊद इतने अतीत में इस रीति से प्रार्थना कर सकता है, तो कितना अधिक आपको और मुझे 21वीं शताब्दी जिसमें हम जी रहे हैं, हमें प्रार्थना करना चाहिए। I asked Dr. Sharon today in the lunchtime or the breakfast time, what do you think about your father-in-law? आज नाश्ते के समय डॉक्टर शरीन से मैंने पूछा कि ऐसे बोलते नहीं है सास ससुर आमतौर पे, लेकिन मैंने उनसे ऐसा प्रश्न किया, आपको क्या लगता है आपके जो ससुर हैं वो आपकी सास को कैसे सिखाते हैं? उन्होंने बहुत ही अच्छी एक टिप्पणी की, जबकि वो डॉक्टर है तो उन्होंने उस रीति से सारी बातों को देखा और कहा, बोला हाँ सासू माँ भी बहुत अच्छे से बोलती है। और आप घर में कैसे बातें कर रहे हैं, लोग इसे सुन रहे हैं। आप कलीसिया में तो बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, लेकिन क्या आप इसी रीति से घर में बात कर रहे हैं? आपको हंसने के लिए अपने जीवन साथी को क्या आप सही या उचित बातें कह रहे हैं? कई बार मैं ऐसे बोलता हूँ जब क्रोध में आ गया था, मैं मेरे बेटे के बारे में कोई भी नकारात्मक बातें आप ना करें, फिर मुझे लगा कि मैं सीधा करूं, हमारे बेटे के बारे में मैं केवल अच्छी बातें सुनना चाहूंगा। जिस रीति से आप अपने जुबान का, अपने जीभ का उपयोग करते हैं, आप चाहे तो अपने बच्चों पर और अपने नाती पोतों पर श्राप या आशीष दोनों ला सकते हैं। दूसरे लोग बच्चों के बारे में क्या बोलते हैं मैं उसकी परवाह नहीं करता। लेकिन आपको अपने बच्चों के बारे में उनके चेहरे पर कोई भी नकारात्मक बात नहीं कहनी, उनका निर्माण करें। नीतिवचन बाइबिल इस बात को बताती है, नीतिवचन उसकी 18 अध्याय वर्स 21 21वीं आयत। आपकी जुबान has dual power, आपकी जीभ में दोहरी शक्ति है। dual, you are born in this world with dual power, your tongue can curse or bring life or bring death। दोहरी ताकत आपके जीभ में है, आप
चाहे तो श्राप ला सकते हैं, आशीष ला सकते हैं, जीवन ला सकते हैं और मृत्यु ला सकते हैं। इन बातों को आप लिख लें, अगली शिक्षा के दौर में ये बातें आपके लिए सहायक साबित होंगी। आपकी जुबान चाहे तो प्रभुत्व करने वाली ताकत उसमें हो सकती है। कई बार जो सासुमा होती है वो ऐसा सोचती है कि बहू घर में आ गई है, अब मैं उसे नियंत्रित या उस पर प्रभुता मैं कर सकती हूँ। क्या आपकी सासुमा ने आपके साथ ऐसा किया है? हमारे घर में ये कभी नहीं होगा। और डॉक्टर बिजोई के साथ भी ये कभी नहीं हुआ है। लेकिन भारतीय संस्कृति ऐसी है, मैंने बहुत से घर में ये बात को देखा है। जो माता पिता या सास ससुर जो घर में होते हैं वो बच्चों के प्रति उन्हें नियंत्रित करने वाले शब्दों का उपयोग या उन पर प्रभुता करने वाले बातों को बोलकर उन्हें नियंत्रित करते हैं। अब देखिए हम जुबान के दूसरे नकारात्मक ताकत की ओर चले। विनाश करने वाली ताकत। आपके शरीर का ये छोटा सा जो अंग है, आपको मालूम नहीं कि कितना ज्यादा विनाशी बल या ताकत इसमें पाया जाता है। याकूब की पत्री आपको आज की शाम में जो आपने पढ़ी है, पांचवी आयत को पढ़ दे, 3:5। जहां पर जुबान की तुलना आग से की गई है, देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। तो आप देख सकते हैं लेखक जीप की तुलना जो नकारात्मक रूप से इस्तेमाल की जाती है आग से करता है। I have witnessed three fire, deadly fire. तीन प्रकार के आग के बारे में मैंने अध्ययन किया है जो घातक है। फैक्ट्री में भी आग लगी थी, बहुत भीषण आग, और फिर मार्केट में भी आग लगी थी। हमारे आप देख सकते हैं, आपने सुना होगा कुछ साल पहले की बात है, शिकागो शहर में जो मेरे घर से कहा जाए तो 4 घंटे दूर एक जंगल पाया जाता है, लगभग 1200 करोड़ पेड़ जलकर खाक हो गए जब वहां पर आग लगी। और जब जंगल में आग लगी, उसकी जो भीषण गर्मी से जो ताप वहां से निकला, लगभग 12,500 लोगों की जाने चली गई। In Chicago, which is a very good city, one cow was walking and somehow cow kicked a lantern. और शिकागो शहर की बात करें, एक गाय ऐसे चल रही थी और जो लालटेन होता है उसने उसे लात मार दिया। Many thousand people died because of that one lantern.
और देखिए उसी एक लालटेन की वजह से, उसी एक ज्योति की वजह से जो गिराया गया था, ये पूरी आग लगी, 12,000 से ज्यादा लोग जल कर मर गए। This tongue has a destructive power like fire. बिल्कुल उसी आग के समान आपकी जुबान में भी विनाश करने की ताकत है। How many marriages have been destroyed because of the order? जरा कल्पना करें कितने वैवाहिक या दाम्पत्य जीवन तबाह हो गए केवल इस एक जुबान की वजह से। We have counseled many all over. हमने पूरे दुनिया भर में कई लोगों को परामर्श दिया है, हमने काउंसलिंग किया है। Dominating power. नियंत्रण करने की सामर्थ्य, डिस्ट्रक्टिव पावर, बर्बादी करने की ताकत, द थर्ड डिविनिटी पावर यू सी इज डिसीटफुल पावर, और धोखा देने की ताकत। वी हैव डिसीव्ड, आई सी जस्ट हैपेंड लास्ट वीक आई हैव बीन इन माय ऑफिस। पिछले हफ्ते की बात करो, मैं दफ्तर में एक मीटिंग मैंने रखी थी, 14-15 लोग मेरे दफ्तर में थे। एक जो कर्मचारी ने इस प्रकार से एक टिप्पणी कर दी, पूरा झूठ, मुझे नहीं मालूम था। आप ये नहीं सच नहीं है, लेकिन मुझे कुछ बोलना था सर के सामने, इसलिए मैं बोल दिया, लेकिन पक्का झूठ बोल ही नहीं। But she destroyed that staff member of my very life. और जिन, अब तो उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन जिनके विषय में उन्होंने बोला, उन्होंने उनका तो समय और जीवन खराब कर दिया। ध्यान से सुने, has a power to destroy and kill a person. याद रखें, आपकी जीभ में एक ऐसी ताकत है जिसके द्वारा एक व्यक्ति को आप मार सकते हैं, उसे जीवित कर सकते हैं। This is according to AMT. ये AMT अनुवाद के मुताबिक है। Now she just wrote something for me. उन्होंने मेरे लिए कुछ लिखा, मैटर मैम ने। Just can I have that? Should I bring that notebook? Right while they were worshiping, I told her, Pastor Nathan, she gave me something after this morning. Aur aaj subah pastor, I believe this is 100% true. You can make this statement. सुबह पास्टर निखिल को मैंने बताया कि ये बात मैटर मैम ने सर से कही थी, और उन्होंने ये भी कहा कि ये आप 100% सत्य कह सकते हैं, मैंने ये बोला है। उन्होंने कहा कि आपकी जुबान पर आप एक कट लगा सकते हैं, वो ठीक भी हो जाएगा, और वो ठीक हो जाएगा। Someone with your tongue, it won't heal that fast. It will leave a deep wound in their life. लेकिन उन्होंने कहा यदि आप अपनी जुबान को काट लेते हैं खाते खाते, तो वो ठीक हो जाएगा, एक समय के बाद वो सब बराबर हो जाएगा, लेकिन यदि आप उसी जुबान से किसी और को काट लेते हैं, इतनी जल्दी वो ठीक होने वाला नहीं, और साथ में बहुत ही गहरा जख्म वो छोड़ देगा। कई लोगों में देखा है उनके जीवन में अब तक समस्याएं हैं, वो बहुत दुखित हैं, वो टूट चुके हैं, क्योंकि किसी ने उनके प्रति या तो उन्हें उन पर प्रभुता करने वाले शब्दों को बोला है, या फिर उनके विषय में बर्बाद या विनाश करने वाले शब्दों का उपयोग किया है, या फिर उन्हें धोखा देने वाले शब्दों को उनसे कहा है। याकूब की पत्री से चौथी जो बात है मैंने ली है, जिसका मतलब यह है कि उस भाग को अलग कर देने वाली जुबान की ताकत। Where the writer is comparing with the runner,
जहाँ पर जो लेखक है वो एक प्रकार के जो लगाम से उसकी तुलना करता है जो घोड़े के मुंह पे लगाई जाती है या पतवार से जो बड़े नाव को चलाती है उससे उसकी तुलना करता है। ये चार नकारात्मक बातें आप देख सकते हैं चौथी आयत में पतवार। लेकिन मैंने बाइबल में ये भी पढ़ा कि अपने जुबान में क्या उपयोग करते हुए हम आनंद भरे शब्दों को बोल करके एक आनंद भरा माहौल भी बना सकते हैं। As a delightful power, not only it will please God, but will help the people who are around you. यदि आप सुगम और मधु या अच्छे शब्दों का उपयोग करते हैं, ना केवल आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, परंतु आपके चारों ओर जो लोग हैं, वे भी आनंदित हो जाते हैं। Yes, tongue is given as a gift to you and I. हाँ, ये बात सही है कि ये जो जीभ है आपको और मुझे एक वरदान के रूप में मिली है। Every parts of the body, there people are there blind. आप देखिए कई लोग अंधे होते हैं, आपके देह का हर एक अंग आपके लिए वरदान है। And there are many people cannot talk. आप देखिए बहुत से लोग तो बात भी नहीं कर सकते। You are talking. आप बात कर रहे हैं। But listen to me. I agree. Speech is the part. हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि आपका जो बोलना या जो बातें करना है आपके दैनिक जीवन जो दिन भर में है उसका एक अहम अंग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा बातें करते रहना है। ये बहुत ही बड़ी समस्या है। और ये बात तो एक सत्य है, बहुत ही प्रचलित सत्य है। स्त्रियां जानी जाती इस बात के लिए कि वो बहुत ज्यादा बोलते हैं। इसने कुरिन्थियों की पत्री में ये बात लिखी है, महिलाओं को कलीसिया में चुप रहना चाहिए। उन दिनों में आपको पता है कि कोई फोन कॉल्स मोबाइल्स नहीं होते थे, हफ्ते में एक बार मिल रहे हैं, सब कलीसिया में जैसे ही पहुंच रहे हैं। पॉल उसको बहुत ज्यादा विघ्न उसके सामने उत्पन्न हो जाता जब लोग महिलाएं खासतौर पे इस तरीके से आकर के कलीसिया में बातें करती थी। तो एक तो बात करने का और चुप रहने का दोनों का समय है। Go to book of Ecclesiastes. सभोपदेशक में आ जाएं। Chapter 3. तीसरे अध्याय में। Ecclesiastes chapter 3. सभोपदेशक तीसरा अध्याय। सात का केवल पहला भाग ही पढ़ दे। चुप रहने का भी समय है। फिर बात करने के समय के बारे में भी लिखा है आगे। हमें संतुलित होना है। अगर मैं देखता हूं कोई चुप ही नहीं हो रहा है, मैं वहां से चलते बनता हूं। कुछ लोगों का यहाँ पर मांसपेशी होता ही नहीं है, एकदम ढीला होता है, चलता ही रहता है। मैं
बाइबल आधारित मसीह बनना चाहता हूँ। Everything I'm going to teach is from the Bible. हर एक बात जो मैं शिक्षा के रूप में दूंगा सब बाइबल से होगा। There'll be like by the time you finish this teaching, there'll be almost 33 scriptures. जब तक ये समय ये शिक्षा खत्म होगी याद रखे 33 आयतें आपको मिल जाएंगी। I will work hard to prepare more of this teaching. और इस शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए मैं तैयारियां करूंगा। Go to book of Job, chapter 6. अय्यूब की पुस्तक छठवें अध्याय में आ जाएं। Verse 24. 24 आयत पढ़ दें। 6-24. अय्यूब मुझे 24. मुझे शिक्षा दो। हाँ हाँ। और मैं चुप रहूँगा। सही है, बहुत अच्छे बोल रहे हैं आप। मुझे समझाओ। हाँ हाँ। Yeah. In English it's beautiful. अंग्रेजी में बहुत ही अच्छा है। Teach me and I will be quiet. मुझे शिक्षा दो कि मैं शांत हो जाऊं। Show me where I was wrong. मुझे बताओ कि मैंने कहां पर गलती की है। अब ध्यान से मुझे सुनिए। Maintain a silence when other people are talking. It tells them or the other you have a great respect for them. जब दूसरे लोग बात कर रहे होते हैं और आप शांति बनाकर रखते हैं वो उन लोगों को ये बात बताता है कि आपके दिल में उनके लिए सम्मान है। You as a husband must be silent when your wife is talking. आप पति होने के नाते जब आपकी पत्नी बातें करती है आपको शांति बनाकर रखना है। And when wife is talking, you husband should be quiet. और जब पति बातें करता है पत्नी को शांत होना चाहिए। When dad is talking, son should be quiet. और जब पिता बोलता है तो बेटे को शांत रहना चाहिए। If you will practice biblical principle, you will see what will happen. जब आप बाइबल आधारित नियमों का अनुकरण करते हैं आप देख पाएंगे कि आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तित होता है। Even when you see the life of Jesus, यहां तक कि जब आप मसीह यीशु के जीवन को देखते हैं। When people were saying many things, when he was on the cross, आप देखिए मसीह यीशु यहां तक जब वो क्रूस में भी था अपने चेलों के साथ था कई बार आप देख सकते हैं मसीह यीशु शांत था। We must learn when you speak. और हमें सीखना है कि कब हमें बोलना है। Controlling your tongue is not easy, but if you practice, और अपनी जुबान को नियंत्रित करना आसान काम नहीं है लेकिन यदि आप अभ्यास करेंगे आप कर सकते हैं। गुरु बुक ऑफ प्रोवर्ब्स नीति वचन में आ जाएं। चैप्टर 20 20वें अध्याय में वर्स 19 19वीं आयत को पढ़ दें। जो लुतराई करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है इसलिए बकवादी से मेल जोल न रखना। So you as a believer must be very careful that you only associate with the people who have learned to keep the faith confidential, not आप विश्वासी होने के नाते ये बात ध्यान में रखें कि आप केवल उनके साथ ही संगति रखें जिनको मुंह की बदहजमी ना हो गई हो कि हर एक बात वो उगल देते हैं। अपने जुबान पर नियंत्रण रखने वाले के साथ ही आप मेल जोल रखें अपनी संगति रखें। Bina gave the life of Pastor Nicole and Elizabeth gave the life of Dr. Thomas. आपको पता है आखिर क्यों रीना निखिल के जीवन में और एलिजाबेथ डॉक्टर थॉमस के जीवन में आई?
If you study Genesis carefully, यदि आप आप देख सकते हैं आप उत्पत्ति पढ़ेंगे, आपको मालूम चलेगा आखिर क्यों कर परमेश्वर ने स्त्री को पुरुष के जीवन में लाया कि वो पुरुष के जीवन को परिपूर्ण कर दे, उसे पूरा कर दे। Sometimes my wife has, she is an unfamiliar children. I know she never went to any college to learn the sign language. अब मुझे नहीं पता कि मेरी पत्नी कहाँ से सीखी, ना ही किसी विश्वविद्यालय में गई जहाँ पर वो दिखा करके इशारे में बातें करने वाली बातों को सीखी हो। पता नहीं उन्हें कहाँ से वो ये बातें उन्होंने सीखा। आज दोपहर की बात है, अपने कमरे पे था शयन कक्ष में और शिक्षाओं को मैं तैयार कर रहा था, इसलिए मेरी पत्नी मुझे आकर के डिस्टर्ब ना करे इसलिए मैंने दरवाजे को बंद किया और मैंने वहाँ पर एक चेयर लगा दी ताकि धड़ाम से वो दरवाज़ा खोल के अंदर ना घुस जाए। कई बार वो मुझसे अपने पैरों के द्वारा बातें करती है, यूं मार करके। और फिर मैं समझ जाता हूँ कि जिस व्यक्ति से हम बातें कर रहे हैं, मेरे बाजू में बैठे उन्होंने पैर मुझे मार दिया, मतलब और मैं उनसे कुछ ना बोले। अब मैं तुरंत समझ जाता हूँ कि अब चुप रहने का समय आ चुका है। कई बार उंगलियों से बातें करते हैं और कई बार तो अपनी आंखों से बातें करते हैं। और जब नाक लाल हो जाती है अब तो समझ चुकी है। Not her eyes, her nose. नाक। So God gives you spouse so that you can control your anger or your speech. और परमेश्वर ने आपको जीवन साथी दिया कि आप अपने शब्दों को और अपने क्रोध को आप नियंत्रित कर सके, रोक सके। So you have to appreciate the gift God has given to you. तो जो वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है आपको परमेश्वर की सराहना करनी चाहिए उसके लिए। If you will learn how to restrain your tongue when you are provoked, that is a sign of wisdom. आप यदि इस बात को सीख जाते हैं कि आपको अपने कोप को या अपनी बातों को कैसे नियंत्रित करना है, आप बुद्धिजीवी व्यक्ति होने के लक्षण को दिखाते हैं। मैं जानता हूं कि आप बुद्धिजीवी स्त्री और पुरुष हैं। भजन 4 में आ जाएं, वर्स 4, चौथी आयत पढ़ दें। कांपते रहो और पाप मत करो। Yes. अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। अपने मन में विचार करो लेकिन खामोश रहो। ध्यान रखें, आप यदि क्रोध में आकर कुछ भी आप कहें या आप बोलें वो आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर देगा। चौथी बात, और क्रोध में कुछ कहना पाप है। ध्यान रखें, वी मस्ट कंट्रोल दिस लिटिल ऑर्गन
हाँ, ये परमेश्वर से एक वरदान है लेकिन इसका दुरुपयोग आप ना करें। Let me show you in from the life of Jesus. आपको मैं मसीह यीशु के जीवन से कुछ दिखाना चाहूंगा। Go to Gospel of John. यूहन्ना की इंजील में आ जाए। Chapter 19. 19वां अध्याय। 8-11. Now here, we are going to read. Wait, it's happening. There are a lot of things happening here. बहुत सी बातें यहाँ पर चल रही हैं. But Jesus is quiet. लेकिन यीशु शांत है. Many a time you can read in home. समय मिले तो घर पर पढ़िए पूरे अध्याय को. Go to 16 and verse 12. 16 और 12 आयत पढ़ दो. Now listen, when you study these two chapters, you'll find out Jesus was silent, he never gave the answer. आप देख सकते हैं जब इन अध्यायों को दोनों अध्यायों को आप पढ़ेंगे पूरे इस दौरान मसीह यीशु शांत रहते हैं। That tells you and I, we must learn to be silent in the midst of all adversity. तो ये हमें इस बात को सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में हमें खामोश रहना है। यदि आपके पति का गुस्सा पैदा कर रहे हैं हमें इन बातों के संबंध में बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना है। Go to book of Proverbs chapter 25 now. नीति वचन 25 में आ जाए। Proverbs 25 verse 11. नीति वचन 25 उसका 11. Oh, see how he's comparing your word. When you speak the right words. जब आप सही शब्द को सही समय पर बोलते हैं परंतु यदि आप सही शब्द को गलत समय पर बोल दें आप संकट में पड़ जाएंगे। But right words, right time will bring result. लेकिन सही शब्द सही समय पर सही परिणामों को लाएगा। We were talking, we were six people yesterday. कल 6 लोग हम लोग थे and I have to say something, अब मुझे कुछ बोलना था but I made sure the whole lunch is over, plate is clean and the sweet is taken, then I said something. और मैं इस बात को पक्का कर लिया मुझे कुछ ऐसा बोलना है उसके पहले सबने खाना खा लिया हो, सबने मिठाई खा ली हो, सबके प्लेट खाली हो, तब मैं बोलूंगा। सही शब्द सही समय में। Go to chapter 15 of Proverbs. अब नीति वचन 15 में आप आ जाएं। Verse 23. 23 पढ़ दें। 15:23. 15 का 23. This is how good is a timely word. सही समय पे बोला हुआ शब्द कितना भला होता है। Man finds joy. मनुष्य आनंदित सज्जन मनुष्य सही उत्तर सुन करके आनंदित हो जाता है।
क्या हो जाता है? आनंदित हो जाता है। अगेन राइट वर्ड्स इन द राइट टाइम विद द राइट मोटिव एंड राइट एटीट्यूड विल ब्रिंग द राइट रिजल्ट। उचित शब्द, उचित समय में, उचित मंशा, उचित व्यवहार के द्वारा बोला गया शब्द उचित निष्कर्ष को लेकर आता है। Stay in the same chapter of 15. 15 की उसी 15 अध्याय में बने रहे। Verse 28. 28 पढ़ दें। धर्मी हाँ क्या कहते हैं? धर्मी क्या होता है? मन में सोचता है। अच्छी बात। क्या बोलूं? धर्मी ने सोच के बोलता है। धर्मी ने क्या बोलता है? सोच के बोलता है। तो हम कहें परंतु now in my translation but the mouth of the evil gushes evil lekin bure vyakti ka manushya burai bolne mein hi utavli reh karta hai it can bring evil words from your mouth it tells me you are evil you will be martyred at night आप भविष्यवाणी करते हैं, आप अन्य भाषा में बोलते हैं, आप दूसरे वरदानों को दिखाते हैं, कोई परवाह नहीं पड़ता यदि आपके मुंह से बुरी बातें निकलती हैं। धर्म मन में सोचता इट मींस बिफोर यू स्पीक यू मस्ट थिंक सोच बोलने के पहले इसका मतलब आपको विचार करना है आपको विमर्श करना है यू मस्ट कंटेंप्लेट यू मस्ट पॉन्डर यू मस्ट मेडिटेट बिकॉज़ वंस यू स्पीक यू कैन नॉट ब्रिंग वर्ड्स बैक आपको मनन करना है चिंतन करना है सोचना है क्योंकि आपने एक बार बोल दिया आप वो उन शब्दों को वापस नहीं ले सकते ध्यान रखें मैं अब चाहता हूं कि आप धर्मी बन जाए मैं ये नहीं बोल रहा मैं शत प्रतिशत धर्मी हूं लेकिन प्रतिदिन अपने वैवाहिक जीवन को मैं और भी बेहतर बनाने में लगा रहता हूं और कई बातें मेरी पत्नी मुझसे कहती है अभी मुझे वो बात पसंद नहीं या मैं उसमें सहमत नहीं हूँ तो मैं हाँ ठीक है बोल के मैं उसे टाल देता हूँ लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं किस तरीके से अपने आप को और बेहतर बनाऊँ या अपनी जो बातें हैं इसलिए धर्मी आपको बनना है कि आपको अपने शब्दों में अपने बातों में आपको धर्मी बनना है हमें हमेशा सोचना है हमेशा विचार करना है कि मैं क्या बोलूंगा उनतीस के बीस को पढ़ दें मुंह पर बोलिए
He says, do you see a man who speaks in haste? क्या आप किसी ऐसी व्यक्ति को देखते हैं जो जल्दबाजी में बोलता है? बिना सोचे समझे खुशी आ बोले। There is more hope for a fool than for this man who does not control his tongue or who speaks without thinking. जो व्यक्ति बगैर सोचे बोलता है, अपनी जुबान को अपने नियंत्रण में नहीं रखता, उससे ज्यादा तो मूर्ख से आशा की जा सकती है। मैं मूर्ख से आशा नहीं करता हूं, मैं बुद्धिमान से आशा करता हूं। So I want you to think. इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सोचें, विचार करें। There are a lot of people want to get married. बहुत से लोग They want to get married soon. बहुत जल्दी वो विवाह करना चाहते हैं। But your speech. लेकिन अपने बातों की शैली को आप बदल दें। Watch your tongue. अपने जुबान पर ध्यान रखें। Check your tongue often. और हमेशा आप ध्यान रखें आपकी जीभ कैसे चल रही है। I know that Dr. Sharon will not like that statement because most of the doctors they don't like people using tongue in. अब मुझे पता है कि डॉक्टर शेरिन को भी ये शब्द पसंद नहीं आएगा और बहुत से डॉक्टर्स ये शब्द को पसंद नहीं करते जो अंग्रेजी में टंग क्लीनर जो वर्ड होता है जिसको हम जीबी बोलते हैं। I have done other ways to study, but my son says, oh, our son, don't believe every medical journal. I have tried the copper, pure copper tongue cleaner. और मैं बताना चाहूँगा कि बहुत से मेडिकल जर्नल्स मैंने पढ़ा और मैंने समझा कि जो तांबे का जो जीबी आता है जुबान साफ करने वाला वो मैंने मंगवाया। Why I use that? मैं ये क्यों इस्तेमाल करता हूँ? I do not want all the layers to build up on my tongue and then get sick or I get disease. क्योंकि वो मैं नहीं चाहता सारी गंदगी मेरे जुबान पर आकर ठहर जाए और उससे मैं बीमार पड़ जाऊँ। Many people are especially sick. बहुत से लोग इसी प्रकार से आत्मिक रीति से बीमार पाए जाते हैं। पिछले 7-8 हफ्तों से और अपने जुबान की जांच नहीं की है, सफाई नहीं की है। You watch out if you want blessing in your home, start using this tongue for a delightful power. याद रखिए, यदि आप अपने पारिवारिक जीवन में बेहतरी को देखना चाहते हैं, अपनी जुबान का इस्तेमाल बड़े ही आनंद पूर्वक और बड़े ही सुचारू रूप से करना शुरू कर दें। I want you to check your tongue. मैं चाहूंगा अपनी जुबान की आप जांच करें। What we say determines what you want the outcome. आप क्या निष्कर्ष चाहते हैं, आप क्या बोलते हैं, ये इस पर निर्धारित होता है। We as man, husband, wife, dad, mom, believer, pastor, leader, teacher, must be very careful to serve the words in our speech. हम जो पासवान हैं, शिक्षक हैं, वैवाहिक हैं, अवैवाहिक हैं, हम हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि हम क्या बोल रहे हैं, उस पर चुनिंदा शब्दों का उपयोग करें, सोच कर बोलें। अब देखिए, बाइबल, एवरीथिंग आई मेक इन स्टेटमेंट इज फ्रॉम द बाइबल। हर एक कथन जो मैं कह रहा हूँ वो बाइबल में है। I have 3 minutes. 3 मिनट अतिरिक्त हैं। So we'll just take only this scripture. हम केवल एक आयत ही लेंगे। And then we'll continue. और फिर हम आगे बढ़ेंगे। He said, when we say in 3 minutes, you can control your tongue. When we say, what we say, how we say. हम क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ध्यान रखना है। When we say, कब हम बोलते हैं, what we say, हम क्या बोलते हैं, how we say, हम कैसे बोलते हैं। Go to book of Proverbs, नीति वचन में आ जाएं, chapter 12, 12 अध्याय, verse 18, 18 आयत। ऐसे लोग हैं, हाँ, ऐसे लोग हैं, बाइबल कहती है, ऐसे लोग हैं। ऐसे लोग हैं, यानी है,
कोरबा में भी है, नागपुर में भी है, झारखंड में भी है, चाकरे भी खा सकते हैं, पर ऐसे लोग कहीं भी हो सकते हैं। आगे बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान छूटता है। मैंने कहा भाई कहीं कई लोगों का बोलना कैसे समान है, तलवार के समान है। सफेद पहन लेंगे साड़ी सफेद सब, क्योंकि मार झड़ा बना के तलवार चला है। क्या चला रहे हो? तलवार तलवार चला है भाई साहब। प्रभु ने दिया है जी, मैं अपने समान कर रही नहीं करे। आप सोच समझ के मेरे पड़ा कि मेरे को ये हिंदी बहुत पसंद आई। ऐसे लोग हैं हाँ जिनका बिना सोच विचार का तलवार के समान, तलवार के समान। फिर आगे जाके आगे बहुत अच्छा है, परंतु चंगे हो जाते हैं। प्रार्थना से विश्वास तो बढ़ते हैं, बहुत है धर्मी लोग बहुत होते हैं, हम तो प्रार्थना करने चंगे हो जाएंगे। आपके बोलने के द्वारा लोग चंगे हो जाएंगे। या वर्ड्स एज पावर, आपके शब्दों में सामर्थ है। When a person is sick and tired, जब कोई व्यक्ति थक चुका है, बीमार हो चुका है, and he's dying, और वो मर रहा है, अस्पताल पहुंच चुका है, और उसने हमें बहुत ही सतर्क होना है। ये शिक्षा और भी कुछ रात्रियों में हम देख पाएंगे, और अभी भी 23 अतिरिक्त प्रकार के जीप जो बाइबल में है मेरे पास रखे हैं। छोटी जीप बड़ी जीप सब तक देते लिक्विड रहता है। And they think this is that's the way. Paisa, nama pani tha gira vegetable jaisa dene ke liye to nahi. No, no, no. That's the key. They say me. Don't give me those kind of excuses, you know. Let's pray. Words of my mouth will be acceptable to me. मेरे मुख्य वचन परमेश्वर के सामने योग्य होने पाए। पिता हम प्रार्थना करते हैं हर एक जिसने आज की रात भी आपके वचन को सुना है, होने पाए कि वो एक शपथ एक निर्णय आज लेकर जाएं कि उनके मुख्य वचन जो शब्द वो बोलेंगे वो उनके सुनने वालों के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए, मित्रों के लिए, सहकर्मियों के लिए एक आशीष का कारण होगा। कल हमारी उपवास की जो प्रार्थना है उस पर तू आशीष दे, 8-12 8-10 कल की बाइबल स्टडी और प्रार्थना की जो सभा है उसे भी तू आशीषित कर। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। कल सुबह 8 फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। वो अपन बात कर लेते हैं। मीना ने बात किया वहाँ है, आप अगर खंडवा के रेलवे स्टेशन जाएँ आपकी बुकिंग दिन की किसी भी ट्रेन में जो खाली है हो जाएगी। अभी 10:45 ट्रेन है सर, आज क्या बरनाट की बलेनो में ड्रॉप कर देंगे। थैंक यू सर, मेरे को फैमिली कॉन्फ्रेंस का टेस्ट आ गया सर, आएगा फैमिली कॉन्फ्रेंस का, इट वॉज सच अ ब्लेसिंग सर, थैंक यू रियली। चलिए मैडम जी, ठीक है, जेब में क्या आपके? ठीक है, क्या नहीं है?